हेलो, हे हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑलिवुड। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली। आवाज आ रही है मेरी? साउंड क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर डिस्कशन रहेगा 19th अक्टूबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर आईबीपीएस आरआरबी पीयू मीन्स एग्जामिनेशन एंड नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। बेस्ट ऑफ लक। व्हाट एवर द सपोर्ट यू नीड फ्रॉम माई साइड, प्लीज फील वेरी वेरी फ्री टू रीच आउट टू मी। आइदर यू आर द स्टूडेंट ऑफ पेड बैच और नॉट। कोई भी डाउट कंफ्यूजन आता है आपके पास, डू नॉट हेजिटेट। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हम आदित्य सर के पेड स्टूडेंट्स नहीं हैं तो सर हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, सर डाउट क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और डिस्कशन रहेगा करंट अफेयर्स के ऊपर। पहले देखते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन। लाइफ इज 10% व्हाट हैपन टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्टेड। एक्चुअली दिस कोड आई हैव कैप्ट फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट। यस्टरडे द स्टूडेंट माइंडसेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन, हु गॉट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, नाउ दे आर वरीड अबाउट देयर इंटरव्यू, दैट वॉट वी विल बी डूइंग फॉर इंटरव्यू। फ्यू ऑफ यू आर गिविंग द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? सो दे आर वरीड दैट वॉट वी आर गोइंग टू डू इन इंटरव्यू, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। एंड दोज हु आर गिविंग द इंटरव्यू फॉर सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, दे आर मोर वरीड दैट वॉट आर द मिस्टेक्स आई हैव डन लास्ट टाइम, हाउ आई एम गोइंग टू ओवरकम दैम, राइट? फॉर इंटरव्यू गाइस, देर इज अ ब्रह्मास्त्र ऑफ माइंड ऑलवेज फॉर द इंटरव्यू विच ऑलवेज वर्क। रिमेंबर अ गोल्डन रूल दैट द डे वी आर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू वी शुड कन्विंस आर सेल्फ दैट इट इज नॉट एन इंटरव्यू, इट इज जस्ट अ मीटिंग। आपको अपने आप को कन्विंस कर लेना है कि ये इंटरव्यू नहीं है, ये एक मीटिंग है कुछ लोगों के साथ, कुछ सीनियर बैंकर्स के साथ, दैट दे आर गोइंग टू नो अबाउट यू एंड दे आर गोइंग टू गाइड यू। सो जस्ट कन्वेंस योर सेल्फ। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर दोज हु हैव नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। गाइज, इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू इफ यू हैव रिटन द आईबीपीएस पीओ प्री एग्जामिनेशन properly and you are thinking you are going to write the mains examination, you have enough time now. You don't have interview, you have an awesome time to prepare for IBPS PU mains properly. So give your 110% for your IBPS PU mains. Become the PO of directly nationalized bank. Got my point? चलिए, काफी डाउट्स आने लगे हैं। गुड मॉर्निंग सर, प्लीज एक्सप्लेन द सेंटेंस नेगेटिव इन्फ्लेशन। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट विद द लॉन्ग लेग। अच्छा, आपने शायद मुनिका जी आपने उस पर भी भेजा हुआ था, ठीक है। आपने शायद टेलीग्राम पर भी भेजा हुआ था, ठीक है। गिव मी सम टाइम, नॉट टुडे। आइदर आई कैन डू अ शॉर्ट सेशन और आई कैन सेंड यू द आंसर्स इन द ऑडियो नोट। Give me some time. Chal. So this is what the question was. And start karte session ko. Please download the Olipboard application. The link given in the description. You can download it directly from the description link. Also subscribe the Olipboard YouTube channel if you are watching it for the first time. So is morning motivation was clear to everyone? Thoda sa main chah raha tha ki aap log motivate hi rahe hain. Either you cleared it or not, you should prepare well for your IBPS PU mains examination as well. अच्छे से prepare करना है आपको IBPS PU main examination के लिए। Question था आपके पास homework में, consider the correct statement about the जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना was announced by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी on the Independence Day on 15 August 2015। ये wrong है, right? It was launched on 2014। तो 2014 में launch हुआ था। Then more than 46.25 crore beneficiary banked under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana since inception. This is correct. Total deposit amount around 1.73 lakh crore rupee was there. This is also correct. So option number, अच्छा ये गलत है।
ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी योर आंसर. ऑप्शन नंबर बी एंड सी विल बी योर आंसर. दिस इज करेक्ट. ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी एंड सी. सी, इट वॉज अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी ऑन 15 अगस्त 2014. लॉन्च डेट वॉज एग्जैक्टली करेक्ट, इट वॉज 28 अगस्त 2014. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्लियर है, चलो आगे मूव करें. नेक्स्ट था, आरबीआई डिफर्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन मेड अंडर बेसल थ्री कंप्लीट बेसल थ्री कैपिटल ड्यू अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द कोविड-19 क्राइसिस. द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसल थ्री नॉर्म्स फॉर द बैंकिंग सर्विसेज डिफर्ड टिल. सो करेक्ट आंसर है आपका 1 जनवरी 2023 तक के लिए आरबीआई ने इसको डिफर्ड कर दिया, बेसल थ्री नॉर्म्स को कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने के लिए. ऑल्दो ऑलरेडी आरबीआई इश्यूज द गाइडलाइन टू मेंटेन द सीआरएआर इन इंडिया फॉर द प्राइवेट बैंक्स. फॉर द प्राइवेट बैंक्स दे हैव टू मेंटेन आरडब्ल्यू ए रिस्क वेटेज एसेट ऑफ हाउ मच परसेंट और सीआरएआर ऑफ हाउ मच परसेंट. डायरेक्टली हम सीआरएआर ही लिख लें. सीआरएआर ऑफ हाउ मच परसेंट? 9%. फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक दे हैव टू मेंटेन इट एट 12%. तो ये मेन गाइडलाइंस में ये था, आरबीआई ने ऑलरेडी कहा हुआ है. तो सो देवाशीष परफेक्ट आंसर्स सही था. सेकेंड देव खन्ना जी, मोना दीपा, साई, स्नेहा, गली, मानसी, अंजलि, बिल्कुल बढ़िया आंसर्स थे आप लोगों के, चेक किए मैंने पर्सनली. प्रियंका मैम, हर्षा एंड सुनंदा मैम, बढ़िया आंसर्स, वेरी गुड. कल के लिए होमवर्क के क्वेश्चन ले लें, अच्छे क्वेश्चन है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू राइट एसबीआई सीबीओ एग्जामिनेशन इन इवन, दिस इज द पैटर्न ऑफ एसबीआई सीबीओ एग्जामिनेशन. सो एसबीआई सीबीओ बैच इज ऑलरेडी अप, यू गाइस कैन सब्सक्राइब बाय यूजिंग द कोड आदित्य दैट ऑल्सो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन टू द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी की 8 कोर इंडस्ट्रीज में से इनमें से क्या इंक्लूडेड है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील, बायोगैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट. ये आपके पास आंसर्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बैंक. तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं रिजर्व, लोन्स एंड डिपॉजिट्स. क्वेश्चन ये इनमें से क्या बैंक्स के एसेट्स का पार्ट है? ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एसेट्स ऑफ बैंक, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ बैंक, हाउ बैंक्स जनरेट प्रॉफिट. बड़े फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके. फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज सेशंस यू गाइस कैन गो थ्रू विद द जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप. ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस्टरडे आई हैव शेयर्ड फ्री पीडीएफ. कल मैंने फ्री ई बुक जो है वो लॉन्च किया है, फ्री ई बुक ऑफ 60 टॉप 60. टॉप लिखने में कोई गलती नहीं है, बेस्ट 60 क्वेश्चन हैं ये आपके, बेस्ट 60 क्वेश्चन फॉर आरआरबी पीओ इंटरव्यू. तो आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए आपके टॉप 60 क्वेश्चन का ई बुक ऑलरेडी लॉन्च हुआ है. यू विल बी एबल टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस ई बुक फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आदित्य सर. ठीक है, जीए जीनियस वाले टेलीग्राम ग्रुप पर वो अवेलेबल है, वो अवेलेबल है. अपूर्व, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? जो बैंक्स मेंटेन करते हैं ना, जैसे कि बैंक सीआरआर मेंटेन करता है, एसएलआर मेंटेन करता है, सीआरएआर मेंटेन करता है, तो ये सब बैंक के रिजर्व्स हैं. अब आपको ये पता करना है कि वो एसेट्स आएंगे या लायबिलिटीज आएंगे. क्लियर, चल तो आंसर लगाना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैंने हिंट दे दिया है आपको. तो ये ई बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से. ऑलरेडी द बैच इज अप, 45% फ्लैट ऑफ यू विल बी गेटिंग बाय यूजिंग द कोड आदित्य. आदित्य कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड द एश्योरिटी दैट आदित्य सर विल बी योर मेंटर. आदित्य सर आपके मेंटर होंगे फॉर द इंटरव्यू बैच. वी विल बी कंडक्टिंग 2 मॉक इंटरव्यूज इन टू इट. इसमें आपके 2 मॉक होंगे, मॉक 1 एंड मॉक 2. सो मॉक 1 विल बी टेकन बाय आदित्य सर और द इंटरनल ऑलिवुड एक्सपर्ट्स. मॉक 2 विल बी टेकन बाय द एक्स आईबीपीएस पीओ पैनल मेंबर्स. तो इस सर लोग जो हैं आपके एक्स आईबीपीएस पीओ पैनल मेंबर्स हैं, दे विल बी टेकिंग योर मॉक 2. ठीक है, तो ये आपका कोर्स है, इसमें लाइव क्लासेस आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं. टुमारो 10 AM विल बी हैविंग द फर्स्ट सेशन. कल सुबह 10 बजे होगा आपका पहला सेशन.
tomorrow 10 a.m. and first session will be open for all. Only first session. So first session will be open for all. Anyone can attend it tomorrow at 10 a.m. कर लीजिएगा अटेंड. वेरी गुड मॉर्निंग अमन. एमसीक्यू के क्वेश्चंस देख लें. कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम किसान सम्मेलन 2022. पॉइंट नंबर वन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड पीएम किसान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद. पीएम ऑल्सो रिलीज्ड 11th इंस्टॉलमेंट ऑफ 16,000 crore रुपी अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ड्यू टू विद द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर. अंडर दिस स्कीम एलिजिबल फार्मर्स फैमिलीज प्रोवाइडेड 6,000 रुपी पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 रुपी. हाँ भाई क्या आंसर बन रहा है इसमें. करेक्ट आंसर आपका बनेगा ओनली थर्ड. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकेंड वन इज रॉन्ग. वाई फर्स्ट वन इज रॉन्ग. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली. इट वॉज इनॉग्रेटेड. इट वॉज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली. कहां पर कंडक्ट हुआ है. न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ है. विच इंस्टॉलमेंट वॉज रिसेंटली रिलीज. इट वॉज द 12th इंस्टॉलमेंट दैट वॉज रिसेंटली रिलीज बाय द पीएम मोदी अंडर पीएम किसान सम्मान निधि. ठीक है. ऐसे आपका सिंपल क्वेश्चन बन रहा है. अभी यहां पर अगर एक बार पॉइंट्स देखें क्विकली. सो पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड एम्स इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश. फोर्थ वंदे भारत ट्रेन इन हिमाचल प्रदेश. 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन चंबा हिमाचल प्रदेश. देन श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स इन उज्जैन ही हैज इनॉग्रेटेड. पीएम किसान सम्मेलन 2022 इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली. एंड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डेडिकेटेड टू द नेशन बाय द पीएम मोदी. तो ये आपके पास पीएम मोदी रिलेटेड क्वेश्चंस. एक सिंपल क्वेश्चन क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन में इस तरीके से भी आ सकता है. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मेट वेर विच यू कैन फाइंड इन एनी क्लर्क एग्जामिनेशन. लाइक हु हैज इनॉग्रेटेड पीएम किसान सम्मेलन एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली. करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. नेक्स्ट है. इंडियन आर्मी हैज साइंड एन एमओयू विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द बैंकिंग फैसिलिटीज टू अग्निवीर एनरोलमेंट. कितने बैंक्स के साथ अभी इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया है. दे कैन ऑल्सो मेक योर लिटिल कंफ्यूज एंड क्वेश्चन कैन बी इंडियन आर्मी रिसेंटली कोलाबरेटेड विथ हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया टू प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी टू द अग्निवीर एनरोलमेंट फॉर देयर पेंशन प्लान. हाँ भाई अगर सिर्फ आपसे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक पूछ लिया जाता है तो हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक. तो देर आर टोटल 11 बैंक्स. टोटल कितने बैंक्स हैं आपके पास उसमें. देर आर टोटल 11 बैंक्स इनटू इट. अच्छा इसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं. सो देर आर 3 पीएसबीज इनटू इट. आपके पीएसबीज हैं एसबीआई पीएनबी एंड बीओबी. ओनली 3 रिमेनिंग ऑल आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक. द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर विल बी लॉन्च इन जनवरी 2023. नेक्स्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज री इंट्रोड्यूस्ड सुरक्षा फिक्स्ड डिपॉजिट एज द फेस्टिव ट्रीट फॉर कस्टमर्स. तो करेक्ट आंसर है डीसीबी बैंक फाउंडेड इन द ईयर 1930. मुंबई हेडक्वार्टर है. मुरली एम नटराजन सर इज द एमडी एंड सीईओ. इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी. सुरक्षा फिक्स डिपॉजिट इज नथिंग बट द एफडी फैसिलिटी. एफडी इन इंडिया हैव अ रूल दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफडी शुड बी 1,000 rupees. ये बेसिक बैंकिंग के रूल्स हैं कि एफडी का मिनिमम डिपॉजिट आपका कितना होना चाहिए 1,000. एफडी मैच्योरिटी पीरियड शुड बी मिनिमम 7 days टू मैक्सिमम 10 years. तो 7 दिन से कम नहीं और 10 साल से ज्यादा नहीं. ये आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है किसका. फिक्स्ड डिपॉजिट का एफडी का. सो स्पेशल टाइप ऑफ एफडी फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डीसीबी बैंक. डीसीबी बैंक एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.7% 7% से ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है. गुड रिटर्न्स. म्यूचुअल फंड्स में भी कई बार 7% नहीं आता है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवाक रिपब्लिक दैट इज स्लोवाकिया वी कॉल इट राइट. अपूर्व श्रीवास्तव मैम हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू दिस कंट्री इन द रिसेंट टाइम. We'll see that recent time we have multiple news related to the appointment of Indian ambassador to the different countries like Bosnia. Recently Parth Satyapati sir has been appointed. Kuwait Adarsh sir has been appointed. Guyana Avtar Singh
मेडागास्कर बंदारू विल्सन बाबू सर, बांग्लादेश प्रणय वर्मा, यूके विक्रम दौरा स्वामी, थाईलैंड नागेश सिंह, कनाडा संजय वर्मा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मिस्टर अमित कुमार, कनाडा संजय वर्मा रिपीट हो गया, जॉर्ज सीबी जॉर्ज सर हैं, जापान के लिए इरिट्रिया प्रकाश चंद्र। तो ये आपके पास अपॉइंटमेंट थे रीसेंट टाइम में, आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक रिसेंटली। बंधन बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दे वर द लास्ट कमर्शियल बैंक विच वर स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में चालू होने वाले जो लास्ट कमर्शियल बैंक्स थे अभी तक के, वो आपके थे बंधन बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बोथ आर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। सो रिसेंटली मिस्टर सौरभ गांगुली, यू कैन राइट द फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट, राइट, फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट इन इंडिया। नए बीसीसीआई प्रेसिडेंट का चार्ज किसने ले लिया है भाई? ऑलरेडी ये टुक द चार्ज यस्टरडे एंड सेड दैट रॉजर बिन्नी, वेरी गुड। सो रॉजर रॉजर बिन्नी सेड दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन द बेटर इंडियन पिचेस, इंडियन पिचेस बेटर करने पर काम करेंगे, विल वर्क ऑन डिक्रीजिंग द इंजुरीज अमंग द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स के बीच में जो इंजुरीज हो जाती हैं, उसके मतलब उनके बॉडी पर जो इंजुरी होती है उसको कम करने पर फोकस किया जाएगा। सो द बैक टू द न्यूज, मिस्टर सौरभ गांगुली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंधन बैंक। बैंक चेयरपर्सन फाउंडर वॉज चंद्रशेखर घोष सर, एट प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ चंद्रशेखर घोष सर, कोलकाता इज द हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास लिस्ट है रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर्स का। इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा एंड ऋतिका मैम फॉर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन कुच्चा स्वदीप फॉर पुनिया पुनिया कोटी दत्तू योजना कर्नाटका, एंड फैन कोड रवि शास्त्री, गरुड़ा एयर पर महेंद्र सिंह धोनी, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास ब्रांड एम्बेसडर्स लिस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं सर, इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल इन न्यू दिल्ली। तो इंटरपोल का अभी कौन सा समिट कंडक्ट होने जा रहा है इंडिया में रिसेंटली न्यू दिल्ली, विच विल बी कंडक्टेड। करेक्ट आंसर है आपके पास 19th। सो 90th एडिशन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस विल बी कंडक्टेड एट इंटरपोल विल बी कंडक्टिंग फ्रॉम 18 to 21st of October। 18 से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, 21st of October इन न्यू दिल्ली इट विल बी कंडक्टेड। सो 195 मेंबर कंट्रीज विल बी पार्टिसिपेटिंग इन टू इट, ठीक है कंट्री। इसके बाद इसका कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल हेडक्वार्टर लोकेटेड इन लियोन फ्रांस, एंड अहमद नासर अल रासी इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रैक एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। भारत का पहला एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बेस्ड जो आपका फ्राइट रैक है, मतलब कि जो सामान वाहक है, वो आपका किस रेलवे स्टेशन पर इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा। इट विल रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स, लोअर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। हु लेड ऑन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। हाल ही में राजमाता विजया राधे सिंधिया एयरपोर्ट जो लोकेटेड है आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में, वहां पर एक नया टर्मिनल बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया। दैट बिल्डिंग वाज इनॉग्रेटेड बाय हुम? करेक्ट आंसर इज अमित शाह। सो अमित शाह, इट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कॉस्ट ऑफ 446 करोड़ रुपी। नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड MBBS कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम। द बुक्स ऑफ MBBS कोर्स इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द कंट्री। भारत के किस शहर में इसको इनॉग्रेट किया गया, इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया? सो करेक्ट आंसर है आपका भोपाल मध्य प्रदेश। हाँ भाई, कोई है भोपाल से जो सेशन देख रहा हो अभी? चलिए, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड गाथा स्वराज की गैलरी इन द ग्वालियर फेमस HH महाराजा जिवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। सो देयर अनदर क्वेश्चन दैट हु हैज इनॉग्रेटेड दिस, एंड अगेन योर आंसर इज मिस्टर अमित शाह। वापस से आपका आंसर यहां पर क्या बन रहा है? अमित शाह। सो अमित शाह इनॉग्रेटेड एट एट एच एच महाराष्ट्र जिवाजी राव सिंधिया म्यूजियम रिसेंटली।
एमपी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, पेज नंबर आपके लिए मैं काउंट करके बता देता हूं। पेज नंबर वन है, देन टू, देन थ्री, सो दीज आर द थ्री पेजेस। जीए जीनियस प्रो बैच, इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटर स्कोर्स इन जीए, कंप्लीट जीए, बैंकिंग, बैंकिंग करंट स्टैटिक इन आईबीपीएस पीओ मींस, विदाउट एनी डाउट गो फॉर दिस बैच गाइस। By using the code Aditya, definitely you will be able to score good. Interview batch is already up. Do not miss the coupon code Aditya if you want Aditya sir to be your mentor. चल, आगे चलते हैं आज के न्यूज में, न्यूज नंबर वन। सो न्यूज नंबर वन, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस KBL सेंटिनरी डिपॉजिट सिस्टम। सेंटिनरी मीन्स a type of century word which we use on the completion of golden 100 years, right? So Karnataka Bank launched the term deposit special FD facility. Dekho yaar, Diwali aa rahi hai, lots of people think about to decrease their loans or to think about to invest more money in the good investment. That is why during this time banks also do offer multiple facilities of loans and deposits also. Well, loans or deposits dono facilities par focus karte hain. Why deposits? The deposits will be converted into loans to generate profit. Kya karta hai bank? Deposits leta hai. So these deposits will be the liability for bank. So ye liabilities ko assets mein convert karenge by providing more loans in the market. Right? Isko hum CD ratio bhi bolte hain. That is credit to deposit ratio. कि कितना डिपॉजिट हुआ उसके कंपैरिजन में हाउ मच लोन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द मार्केट, उसी को बोला जाता है सीडी रेशियो। सो कर्नाटका बैंक लॉन्चेस केबीएल, केबीएल सेन, केबीएल सेंटिनरी डिपॉजिट सिस्टम रिसेंटली एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दे अनाउंस्ड 7.2% rate of interest for it. Maturity period will be 555 days. For senior citizen, it will be 7.6%. Why? Centenary? Because Karnataka Bank was started in the year 1924. And in 2024, it will complete 100 years. Isliye ye use kar rahe centenary word in this deposit. Karnataka Bank few days before also launched KBL Amrit Samriddhi. Under 75 weeks means 75 weeks of FD during the 15th of August 2022. Yaad hai 15 August 2022 ko inhone launch kiya tha. 15 August 2022 ko launch kiya tha. Aage chalte hain. Then Karnataka Bank few days before launched VCIP. Karnataka Bank was also honored with 17th annual Banking Technology Conference Award. Karnataka Bank won 2 Digidhan Award under Ministry of Electronics and Information Technology. तो ये अभी recent point हो गया Karnataka Bank के। आगे चलते हैं news related to the appointments and resignation. Although it is a resignation news, Infosys President Mr. Ravi Kumar S has resigned. Mr. Ravi Kumar S has resigned from Infosys from the position of President. So he was working with the Infosys on the position of President of Infosys from the year 2016. And we know this, Infosys is the second largest IT company in India after TCS. At present the Infosys CEO is Mr. Salil Parekh. Salil Parekh sir iske CEO hai bhi current mein. 1981 mein company start hua tha. Bangalore is the headquarter of Infosys. So ye tha ek resignation news. Agla news, काफी इंपॉर्टेंट, फाइव स्टार रेटिंग न्यूज है, वन क्वेश्चन इज श्योर फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस न्यूज। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज द नंबर इज 50th, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। द सेकेंड सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सर appointed as the next Chief Justice of India. He will be taking charge on 9th of November. Kab charge lene wale hai? 9th of November ko charge lenge from the current Chief Justice of India, Mr. UU Lalit sir. So UU Lalit sir was the 49th Chief Justice of India. And on 10th of November, Mr. D.Y. Chandrachud will become the 50th Chief Justice of India. Justice चंद्रचूड़ इज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश ऑलरेडी रहे हैं। डोंट फॉरगेट
दैट एट प्रेजेंट मैं कैम ऑफ कर देता हूं आपको प्रॉपरली सारा कंटेंट देखे. डोंट फॉरगेट दैट प्रेजेंट मिस्टर डीवाई चंद्रचूड इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑल्सो. सो द डे सर विल मूव टू द पोजिशन ऑफ सीजीआई, जिस दिन ये सीजीआई की पोजिशन पर मूव करेंगे, बिफोर वन और टू डेज विल ऑल्सो गेट द नेम ऑफ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. तो हमको इसके भी नए चेयरपर्सन का नाम मिल जाएगा, तो इसको भूल मत जाना. ये भी हमको पैरेलली याद रखना पड़ेगा दैट वी विल ऑल्सो गेट द न्यू नेम फॉर द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड सर, हिज फादर वॉज वाईवी चंद्रचूड. ही वॉज द 16th एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ही सर्व्ड फॉर चीफ ऑन द पोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1978 टू 1985. So Y.V. Chandrachud sir was the longest serving Chief Justice of India, who was the father of Justice D.Y. Chandrachud. अभी याद रखना, नहीं तो D.Y. और Y.V. में ही confuse हो जाओ. Y.V. is the name of father and D.Y. is the name of son. ठीक है? हाँ. So his father was the longest serving Chief Justice of India. Justice Chandrachud, known for his liberal and progressive judgment, like recently he has a few days before we got a news related to the women seek abortion pregnancy of 24 weeks also. Then homosexuality is the privacy as a fundamental right under Article 21. Now majority uphold the right of women age enter into the Sabarimala temple. Usme bhi inka tha. जस्टिस जीवा चंद्रचूड ऑल्सो द मेंबर ऑफ फाइव जज बेंच फॉर द अयोध्या बाबरी मस्जिद केस. तो ये काफी सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन रहे हैं उसमें इंक्लूडेड रहे जस्टिस जीवा चंद्रचूड सर. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यूयू ललित सर वॉज अपॉइंटेड एज द 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये भी याद रखिएगा कि ये 49 चीफ जस्टिस थे. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाउंडेड ऑन 28th ऑफ जनवरी 1950. द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया वॉज एच जे कानिया सर. ही वॉज द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया एंड द सैलरी ऑफ सीजीआई इज 2.8 lakh rupees पर मंथ. हा नॉट पर ईयर, पर मंथ. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी फाउंडेड इन द ईयर 1995 अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1987. एट प्रेजेंट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड सर इज द चेयरपर्सन. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड सर इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सो वी विल गेट द न्यू नेम वेरी सून. क्लियर है यहां तक के पॉइंट? ओके, एम आई देयर ऑन योर स्क्रीन? परफेक्ट. नेक्स्ट न्यूज पर आ जाए. ओल्फ क्रिस्टन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. एंड एंड हां, ही हैज बीन इलेक्टेड विथ 176 वोट इन फेवर, रिप्लेस्ड टू मैगडलेना रिप्लेस टू मैगडलेना एंडरसन. याद रख लो, रिप्लेस किया एंडरसन को, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ स्वीडन इन द ईयर 2021. स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 2021 में एंडरसन मैम. सो ही इज रिप्लेसिंग टू एंडरसन. ओल्फ क्रिस्टन newly appointed prime minister president. One more name added today, and yesterday or day before yesterday we discussed about president of Iraq Abdul Latif Rashid. So ye aapke paas points in the recent time, please revise them properly. 110% you are going to get at least one question from this in your IBPS PU mains examination. Atanu Chakravarti appointed as the chairperson of UB formerly known as Cred Venue. So this company is a, you can say that it is a fintech company. कोई doubt नहीं है कि इसको हम fintech company, नहीं fin, not fin, हाँ fintech, ठीक, हाँ correct है fintech. दिमाग में पता नहीं edtech भी चल रहा था साथ में, तो मैं सोचा fintech बोलकर edtech दिमाग में चल रहा था. Yes, it is a fintech company. कोई doubt नहीं, it's a fintech company providing loans
with the help of application. So Atanu Chakravarti sir has been appointed 1985 batch IAS officer from the Gujarat cadre, and he already worked as the chief economic affairs secretary of India. He is also the chairperson of HDFC bank ke bhi chairperson hai. ठीक है सर, कैंडिडेट गिविंग द एग्जाम आफ्टर 10 ईयर्स विल टेल मिस्टर डी वाई चंद्रचूड. ओके चलो आगे मूव करें. नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सर्विंग. हाँ पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आईबीपीएस एग्जाम में हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई ऑफ इंडिया, तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को. नेक्स्ट, PM Modi laid down the Modi sir came back to news. PM Modi laid down the foundation stone of 15,670 crore rupee project in Gujarat. तो पहले तो data पर आओ. 15,670 15,770 करोड़ रुपए के development project. Which state? No doubt Gujarat. So Gujarat में इन्होंने अभी recently announced किए हैं. And 3,500 crore project in Junagadh. In the first phase of total highway length will be 270 km across 13 districts. Modi also dedicated the foundation stone project of 5,800 crore rupee in Rajkot. Separately, no use of reading them separately. Point number one will be the question for your exam. So, exam ke liye humko sirf point number one pakad lena. Data, state name, by whom. Teen cheez hai. To Amit Shah bhi bahut zyada news mein hote hai, that is why it can confuse you. याद रखिएगा पीएम मोदी 15,000 करोड़ गुजरात. 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेटर्स का आपके. सो आईबीपीएस वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक इज डिफेंस एक्सपो. 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो स्टार्टेड इन गांधीनगर गुजरात. 12th एडिशन गुजरात, थीम इज पाथ टू प्राइड. पाथ टू प्राइड इज द थीम. Defense Expo 2022 participants will get the opportunity to showcase their equipment platform, will be able to explore the strength capabilities of the expanse of Indian defense industry, forging the business partnership. So Indian defense industry mein partnership apne increase karne ke liye, they will get the chance, private players will get the chance. Already government of India is giving multiple opportunities to the private players in India. Approximately 67% of total defense procurement will be done from the Indian companies only. Ki bahar se nahi purchase karenge, India se hi kiya jayega. It was announced in the budget also. So proud path to pride was the theme and 12th edition of defense expo it was. Next one. Rajiv Chandrasekhar flag off first semicon India future design roadshow. So Union Minister of State Electronics Information Technology Mr. Rajiv Chandrasekhar has flagged off first semicon India future design roadshow in Gujarat. We have heard about it that India's first semicon city will be started in Gujarat. Bharat ka pehla jo semicon city hai उसको कहां पर बनाया जा रहा है, किस स्टेट में बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है. द रोड शो विल बी लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट गिविंग बूस्ट टू द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया. मिनिस्टर आल्सो लॉन्च इस्ट्रो टेस्टेड नेवलिक रिसीवर चिपसेट इन दिस इवेंट विच इज द पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट. तो गुजरात रिलेटेड न्यूज था. गुजरात का आपके पास यहां पर पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेजेस हैं. आगे आते हैं अगला. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, सिंपल कर ले आईसीसी यूनिसेफ कोलैबोरेटेड फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री. दे कोलैबोरेटेड फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप टू एम्पावर द वुमेन एंड गर्ल्स राइट प्रमोशन द जेंडर इक्वेलिटी थ्रू द क्रिकेट. फिर से रिपीट करते हैं एक बार. आईसीसी यूनिसेफ कोलैबोरेटेड फॉर द गर्ल्स वुमेन राइट्स एंड जेंडर इक्वेलिटी एट द ग्लोबल लेवल विद द सपोर्ट ऑफ क्रिकेट. सो फॉर दिस दे लॉन्च्ड द इनिशिएटिव कॉल्ड क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक. सो द इनिशिएटिव कॉल्ड क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 1 ये बनेगा आपका.
तो आईसीसी यूनिसेफ ये याद रखना है, इनिशिएटिव इज कॉल्ड क्रिकेट फॉर गुड कोचिंग क्लिनिक एंड 40 स्कूल्स चिल्ड्रंस विल बी टेकिंग पार्ट इन ईच ऑफ दैम। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ओके क्लियर, यहां तक सिंपल न्यूज है। द प्लेयर विल इंट्रोड्यूस टू द चिल्ड्रन एट क्रिकियो फॉर गुड। सो एक्चुअली द क्रिकेटर्स विल रेज द अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग जेंडर इक्वेलिटी, वो लोग करेंगे। आईसीसी 1909 में फॉर्म हुआ, दुबई हेडक्वार्टर है, ग्रेग बार्ले इज द चेयरपर्सन एंड सीईओ इज मिस्टर जियोफ एल्ड्राइस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, 108 मेंबर्स हैं एंड इट इज द सेइंग्स दैट सौरभ गांगुली विल बी सेंट टू द आईसीसी सून, लेट्स सी। नेक्स्ट है आपके पास गेम, साइंड एमओयू विद एनआरएलएम फॉर द फाइनेंशियल एक्सेस ऑफ वुमेन एंटरप्रेनर्स इन द कंट्री इन इंडिया। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेनरशिप दैट इज गेम इन कोलाबोरेशन विद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एनआरएलएम कोलाबोरेटेड फॉर द फाइनेंशियल एक्सेस ग्रोथ ऑफ 10 लाख वुमेन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो अगले 3 सालों में 10 लाख वुमेन्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड। विच 10 लाख वुमेन, दोज हु आर द एंटरप्रेनर्स। सो 10 लाख वुमेन एंटरप्रेनर्स विल गेट द लोन एंड फाइनेंस फैसिलिटी इन दिस कोलाबोरेशन इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 10 लाख वुमेन्स आर टारगेटेड अंडर इट। सो अंडर दिस प्रोग्राम banks, NBFCs, small finance bank, public sector bank, they will be providing loan on the guarantee of game and NRLM. Under the NRLM, already the maximum loan limit was extended from 10 lakh rupee to 20 lakh rupee. So NRLM mein already jo aapka loan ka limit hai, usko RBI ne approve kar diya hai 20 lakh rupees. So 20 lakh rupees the maximum limit under it. Agla news sir, next one. श्रीलंका सेहान करुणा तिलका श्रेहान करुणा तिलका सर शेहान करुणा तिलका सर वॉन बुकर प्राइज 2022 एंड इवन इट इज नॉट रिक्वायर्ड मी टू से यू दैट दिस इज एन एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, क्योंकि बुकर प्राइज हर एक एग्जाम का क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। नोबल प्राइज में ये होता है, नोबल प्राइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इन द वर्ल्ड, वी नो दैट, बट नोबल प्राइज आपके 6 कैटेगरीज में है, राइट। सो नोबल प्राइज लिटरेचर इज द हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड। आफ्टर नोबल प्राइज इन लिटरेचर, बुकर प्राइज इज द सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन द वर्ल्ड। इट इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका क्या है, बोल सकते हो कि आप सिंगल अवार्ड है एंड वहां तो एक ग्रुप है फ्रॉम वियर देर इज अ प्रोबेबिलिटी वन क्वेश्चन विल कम, बट हियर इट इज सिंगल अवार्ड, सो दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिस्टर शेहान करुणा तलिका फ्रॉम द श्रीलंका हैव वॉन दिस अवार्ड फॉर द नॉवल, फॉर हिज सेकेंड नॉवल। द नेम इज द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडिया, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस नॉवल वॉज पब्लिश इन द ईयर 2011। करुणा तालिका इज द सेकेंड श्रीलंकन टू विन दिस अवार्ड फॉलोइंग मिशेल। सो आफ्टर मिशेल हू वॉन दिस अवार्ड इन द ईयर 1992, इंग्लिश प्रोमिनेंट ऑथर, करुणा तालिका इज द सेकेंड ऑथर टू विन दिस अवार्ड फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका से दूसरा अवार्ड जीता है। NATO begins annual nuclear exercise in northwestern Europe. NATO has planned long nuclear exercise that is called Steadfast Noon in northwest Europe. 14 of 13 NATO members are participating into it, hosted by Belgium in the year 2022. Military alliance said around 60 aircraft, including fighter jets, and all will be participating in the event. Very important question, India is not the part of it. Yaad rakhiye ki India iska part nahi hai. Nuclear exercise mein India is not participating. Still it is important. So 14 countries out of 30 NATO, they will be participating and it will be hosted by Belgium. Belgium isko host kar raha hai. NATO, North Atlantic Treaty Organization 49 mein form hua tha. Brussels, Belgium headquarter hai. Mr. John Stoltenberg is the सेक्रेटरी जनरल। टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इट। हियर यू हैव द रीसेंट डिफेंस एक्सरसाइजेस लिस्ट।
गेट दिस लिस्ट विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द जीए जीनियस टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। कतर टू होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हैज अनाउंस दैट कतर विल बी होस्टिंग 2023 एशियन फुटबॉल, एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट सो कतर में कंडक्ट होने जा रहा है आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन्होंने होस्ट किया एंड आफ्टर दिस इट इज वेरी ग्रेट न्यूज फॉर द कतर दैट आफ्टर वन बिग इवेंट फुटबॉल इवेंट दे आर गेटिंग द वेन्यू एज अ वेन्यू दे आर गेटिंग द बिग सेकेंड इवेंट ऑल्सो दैट इज एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट। तो एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 विल बी कंडक्टेड इन कतर। चाइना इन 2019 वॉन द बिड बट पुल्ड आउट इन मे 2022 बिकॉज ऑफ इट जीरो कोविड पॉलिसी। तो उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी लॉन्च करी है चाइना ने दैट वी डोंट नीड एनी कोविड केस इन चाइना सो फॉर दैट दे पुल्ड देम बैक। सो कतर पार्टिसिपेटेड इन टू इट एंड नाउ कतर विल बी होस्टिंग इट। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड टू होस्ट द इवेंट इन द ईयर 2027। तो 27 का जो है वो इंडिया होस्ट कर सकता है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया कैन होस्ट है। लास्ट है वर्ल्ड ट्रूमा डे 17th of October। द डे वॉज क्रिएटेड इन न्यू डेली इन 2011। Trauma means any injury caused to the body. So World Trauma Day 2011 से start हुआ है आपका and it is celebrated across the world on 17th of October. यहाँ पर आपके पास full data है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ यहाँ से आता नहीं है, data से, extra data से, important days में. Please do like the session. Do not miss to like the session, guys. If you feel that the content is coming good and in the speed, in a quick way, please like the session, share with your friends. Do not miss your CBO batch is up, your RRB PO interview batch is up, RRB PO interview batch is up, and for other batches, single code ADITYA Aditya. So please use, do not miss the code Aditya for these batches. I'll be meeting you guys back in the next session. Tomorrow morning 10 a.m. we'll be having first session. Kal subah 10 baje pehla session hoga. That will be free for all. You guys can join the first class of RRBPU interview batch. At least get the motivation from me tomorrow morning 10 a.m. Take care for the RRBPU interviews. I'll be meeting you guys back in the next session. Till that time, keep watching Hollywood, guys. Jai Hind.